हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रंजीत मिश्रा और आप देख रहे हैं मार्शल वॉइस एकेडमी का चैनल। तो आज मैं आपको ची पावर के बारे में बताने वाला हूं कि ची क्या है। तो ची के बारे में लोगों के अंदर काफ़ी अलग अलग तरीके की गलत फहमियाँ हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ची पावर लोगों को दूर से उड़ाने के लिए है, कुछ लोग सोचते हैं कि ची पावर है ही नहीं, वेस्टर्न लोग ज़्यादा सोचते हैं, और कुछ लोग इसे कुछ दूसरा हवा समझते हैं कि ये सिर्फ शाओलिन मॉन्क ही करते हैं, बाकी और कोई नहीं करता। चलो इस वीडियो में मैं आज यही गलत फहमियाँ दूर करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना क्योंकि लास्ट में मैं आपको टिप बताऊँगा कि इस ची पावर को डेवलप किस तरीके से किया जा सकता है। भारतीय सभ्यता में, योग में, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स, इंडिया के ट्रेडिशनल मार्शल जैसे कलरीपयट हो गया, ठीक, या आयुर्वेदा में इसे प्राणा बोला जाता है। चाइनीज़ लोग इसे ची बोलते हैं और वेस्ट के लोग इसे एनर्जी बोलते हैं। तो वेस्ट के लोग जो सिर्फ एनर्जी जिस तरीके से समझते हैं, ये सिर्फ उतना नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप है। जैसे कि वेस्ट के लोग बोलेंगे किसी के अंदर एनर्जी कम हो रही है तो बोलेंगे एनर्जी ड्रिंक ले लो और ठीक हो जाएगा उससे, तो ये उतना नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा डीप है। मैं उसको गलत या सही नहीं बोल रहा हूँ, उस पर हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में। तो चाइनीज़ लोग चीक ये बोलते हैं कि ये डेंटियन में स्टोर है, ये नाभि से 2 इंच नीचे स्टोर है। ताइची में 3 तरीके के डेंटियन बताए गए हैं। चलिए ये उनका अलग तरीका है, लेकिन हमारे तरीके में, यानी कि हम भारतीयों के तरीके में, हम इसे वायु बोलते हैं और ये पूरे शरीर में अलग अलग तरीके से फैली हुई है, ठीक। वैसे ये वायु जो है टोटल 10 वायु है, ठीक, लेकिन इसमें से मेन 5 वायु है जो आपको समझना पड़ेगा ताकि आप शरीर को काफ़ी अच्छे से समझ सकें, क्योंकि बाकी 5 वायु भी जान लो तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उनमें से कुछ वायु जो है तंत्र वाले भी यूज़ करते हैं, तो समझने के लिए ठीक है, कभी किसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। 5 वायु क्या है? 5 वायु है, पहला प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु, अपान वायु। ये 5 तरीके के वायु हो गए जो हमारे शरीर में अलग अलग तरीके से बह रही है। एक कॉमन नेम से बोला जाता है वो है प्राणा, प्राणा बोला जाता है। ये जितने अच्छे से शरीर के अंदर बहेगी, आपका शरीर उतना ही मजबूत बन सकता है, यानी कि आप उतने अच्छे से, उतने ही अच्छे तरीके से मसल्स, टेंडेंस, बोन्स या ब्लड उतने ही अच्छे से अपने शरीर के अंदर बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, हाँ, लेकिन उसके लिए भी सही एक्सरसाइज और सही खाना पीना बहुत ज़रूरी है। 5ों वायु के बारे में मैं डिटेल में अगली वीडियो में बताऊँगा, फिलहाल इस वीडियो में टिप है कि प्राणा को किस तरीके से बढ़ाया जाए। पहला टिप, आपको आपके शरीर के अंदर प्राणा यानी कि ची पावर डेवलप करनी है तो सबसे ज़रूरी चीज़ उसके लिए आपको आपका डाइजेशन बहुत दुरुस्त रखना है, यानी कि खाना खा के पचाने की शक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ये जितनी अच्छी होगी आपका शरीर उतने ही ज़्यादा मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम कर पाएगा। इसके लिए क्या करना है, आपको नेचुरल खाना ज़्यादा खाना है, जो भी हमारे को नेचर ने दिया है उस तरीके से खाना है, पैक्ड चीज़ें नहीं खानी है, ना के बराबर ही खाना है, तभी आप अपनी प्राण वायु बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो। पैक्ड चीज़ें खाने से शरीर बीमार पड़ता है, जैसे गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, ऐसा कोई भी खाना मत खाओ जिससे गैस, एसिडिटी, इस तरीके की चीज़ बनेगी। इन सबसे प्राण जो है, प्राणा जो है हमारा वीक होता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप कम खाने में शरीर को ज़्यादा बढ़ा सकते हो। दूसरा फ़ायदा, अगर आपको चोट लग जाए तो आप अपना शरीर बहुत जल्दी हील कर सकते हैं। इसका एक बार मैंने भी किया था, जब मेरे बैक में यहाँ पर दर्द था और मैंने वहाँ पर अपनी प्राण वायु को फ्लो करवाया और मेरा तुरंत ठीक हो गया। प्राणा इससे भी बहुत ज़्यादा आगे है, हम प्राणा को अपने शरीर के किसी भी एक अंग पे इकट्ठा कर सकते हैं और फिर हम बहुत सारी चीज़ ऐसी कर सकते हैं जो नेचुरल नहीं लगती होगी देखने में, सुपर नेचुरल लगती होगी, जो हम शाओलिन मॉन्क्स को भी देखते हैं। कलरीपयट में जो कलरीपयट के गुरुस हैं वो इसको दूसरों को ठीक करने में भी इस्तेमाल करते हैं, वो मर्माथेरेपी में इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो अपने शरीर की एनर्जी दूसरे शरीर के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि अपने शरीर का प्राणा दूसरे शरीर के अंदर प्राणा को ट्रांसफ़र करते हैं ताकि वो जल्दी हील हो सके। तो आप देखते होंगे कि आप किसी एक डॉक्टर से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वहीं
दूसरा डॉक्टर, कोई दूसरा डॉक्टर है जिससे आप जल्दी ठीक हो जाओगे, ऐसा आप देखने को मिलेगा आपको लाइफ में कभी। तो दूसरा डॉक्टर जो है, अगर उसके अंदर शरीर में प्राणा बहुत ज़्यादा बहेगा तो वो आपको जल्दी हील कर सकता है। प्राणा का सबसे अच्छे तरीके से बहने के लिए सिर्फ शरीर की शुद्धि ही काफ़ी नहीं है, इसके लिए आपका मन विचार पूर्ण भी शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप जितने स्पिरिचुअल होंगे, आपकी मेंटल कैपेसिटी जितनी अच्छी होगी, आप उतने आपके अंदर प्राणा उतने अच्छे से ही बहेगा और आप उतने अच्छे से ही किसी को ठीक कर सकते हो या किसी को चोट भी पहुंचा सकते हो। हाँ, ऐसा भी होता है। अब ये जो है, अगर मैं अपना प्राणा एक हाथ में इकट्ठा कर सकता हूँ या यहाँ पर इकट्ठा कर सकता हूँ, वहाँ पर बहा सकता हूँ, अपने आप को हील कर सकता हूँ, तो हाँ, एनर्जी जो है हम एक जगह से दूसरी जगह पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि बिना उसको टच करे हम करके कर सकते हैं। अब इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं भी अभी नहीं कर सकता हूँ। कभी लाइफ में कर पाया तो ज़रूर आपको करके दिखाऊँगा, बताऊँगा इसके बारे में, ठीक। जब तक के लिए इस पर थोड़ा चुप रहना ही ज़्यादा अच्छा है, और जहाँ तक हमने देखा हुआ है उसके बारे में हम ज़रूर उसको प्रमोट कर। आई होगी तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप मुझसे क्या और जानना चाहते हैं ये आप कमेंट करते रहिए, मुझे बताते रहिए, तो मैं आपको वीडियो बना के देते रहूँगा। मुझे पता है लोगों के अंदर बहुत कन्फ्यूजन है और काफ़ी क्वेश्चंस भी हैं, तो आप पूछते रहिए, मैं पता बनाते रहूँगा वीडियो धीरे धीरे। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, इसमें जब तक के लिए हर हर महादेव।